खातेगांव के बड़े मोहल्ला में एक शादी समारोह से गायब हुए तीनों बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बच्चों को अगवा कर आरोपी इंदौर लेकर चला गया था। पुलिस आरोपी को इंदौर के खजराना से हिरासत में लेकर खातेगांव पहुंच चुकी है। खातेगांव के बड़े मोहल्ले में गुरुवार दोपहर एक घर में शादी के दौरान वहां मौजूद तीन सगे भाई बहन अचानक गायब हो गए। बच्चों की मां ने खातेगांव पुलिस थाना पहुंचकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। गायब हुए बच्चों में 3 साल की इनाया, 7 साल की रोमन और 9 साल की उमेरा शामिल थी। शिकायत के बाद स्पेशल पुलिस टीम ने खातेगांव पहुंचकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगे, जिसमें आरोपी की पहचान कर उसका लोकेशन ट्रेस किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को तीनों बच्चों के साथ इंदौर के खजराना में पकड़ा। पुलिस पूछताछ में अगवा हुई एक बच्ची ने अपने साथ हुई आपबीती सुनाई। वापिस आ जाएंगे। अच्छा? मम्मी कह रहे हाँ वापिस आ जाएंगे। हमको है ना मुन्ना वो मोहल्ले के इंदौर, तब है ना मैं खाना खाने गई तो मेरे पास बैठ गए खाना खाने, तो है ना वो मेरे पास बैठ गए तो मैं आपको ले आऊंगी उनके साथ। इधर मामले को लेकर एएसपी देवास ग्रामीण आकाश भूरिया ने बताया कि बच्चों का अपहरण करने वाले आरोपी कमल सतवास थाने के खेरिया का रहने वाला है, जिसे इंदौर से हिरासत में लिया गया। आरोपी के खिलाफ पहले से ही एक दर्जन से अधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी पिछले माह ही जेल से छूटकर बाहर आया है। इस बात की सूचना जैसे ही थाने पे मिली तो थाने पे तत्काल मामले को गंभीरता से लिया गया और धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध करके थाने की टीमें तत्काल उक्त बच्चों की तलाश हेतु लगी गई। थाने स्तर से 2 टीमें हमने लगाई थी। फुटेज देखने के आधार पर घर वालों ने अपने बच्चों को आइडेंटिफाई किया और एक व्यक्ति एक बच्ची को गोद में लेकर के और 2 बच्चों को साथ में लेकर के जाता हुआ दिखाई दिया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने काफ़ी ही हिकमत अमली से पूछताछ की और जब बस स्टैंड का कैमरा पता किया तो वहाँ पर बस संचालक और उनके कंडक्टरों द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति 3 बच्चों को लेकर के इंदौर की बस में चढ़ा है। आरोपी सतवास थाना सतवास खारिया गांव थाना सतवास का निवासी है और पूर्व में भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, वो आपको अलग से उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।